हाय गाइस जी। हाँ गाइस, डीजी पे की ओर से नया और लेटेस्ट जो अपडेट आया हुआ है ना, वो हम देखना चाहते हैं। चलिए कैसा है। बहुत ही मस्त अपडेट है। तो क्या करेंगे, डीजी पे जो ऐप है हमने इंस्टॉल कर रखा हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे, यानी आपको भी ओपन करना है ना। ओपन हो गया गाइस। अब गाइस क्या करना है, आपको अपना जो भी फिंगर डिवाइस है अपडेट आपको कनेक्ट कर लेना है, मोबाइल या फिर आप पीसी में कर रहे हो जो भी है, और यहाँ पे सीएससी आईडी एंटर करना है और यहाँ से इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और इस प्रोसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक किए। ऐसे करने से गाइस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पे जो भी है, यहाँ ऑप्शन आ रहा है तीन, आप एसएमएस भेजेंगे तो लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेरे पास है, उसको ओटीपी भेजेंगे और उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करेंगे अपना मोबाइल में देख के। ठीक है, कहाँ गया, अभी तक तो आया नहीं है, आ गया, इसे एंटर कर लेते हैं। 29 28 और वेरीफाई ओटीपी क्लिक करेंगे। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे चेकबॉक्स से, अब ऑथेंटिकेट करेंगे अपना फिंगर, यानी कि कैप्चर करेंगे फिंगर को और हमारा डिवाइस जल जाएगा और फिंगर सही से हमें यहाँ पे लगा लेना है। पुट योर फिंगर दिखा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैप्चर हो गया फिंगर और सक्सेस होने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा। गाइस यहाँ पे इस तरीके से यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हैं बैलेंस कितना है, आईडी वगैरह नाम वगैरह आपको दिखेगा। और गाइस यहाँ यही है अदर सर्विस, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे एनपीएस दे दिया इन्होंने, इसके बाद पैन कार्ड बनाने के लिए भी दे दिया, आईटीआर फिलिंग करने के लिए भी इन्होंने दे दिया। तो यहाँ इन चीज़ों पर आप अगर आप क्लिक करते हैं तो गाइस आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस पेज पर जहाँ से पैन कार्ड वगैरह आप बना सकते हैं, है ना। तो ये गाइस आपको सीएससी आईडी अलग से ओपन करना नहीं है, यहीं से आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके का झंझट जो है कि यहाँ पे खत्म कर दिया गया, लेकिन हमें गाइस से इसको लाने के बाद भी नहीं लग रहा है कि कोई फायदा हमें हुआ है। ठीक है, मुझे तो परेशानी हो रही है इससे। खैर इन्होंने दे दिया, पता नहीं क्यों दे रखा है इन्होंने अपना सोच के। जो भी है आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा ये अपडेट आकर आपको क्या अच्छा लगा या बुरा लगा, है ना। और गाइस यहाँ पे ये तभी आपका दिखेगा, इसका वर्जन जो है कि 7.5 आप जो कि अपडेट कर लेंगे तो ही ये चीज़ दिखेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा।